लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सागर में भाजपा नेता महेश साहू के खिलाफ जिलाध्यक्ष की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने निष्कासन की ये कार्रवाई की है। तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता महेश साहू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, जिसकी शिकायत जिला भाजपा कार्यालय के द्वारा भोपाल भेजी गई थी। साक्ष्य के रूप में उनके कुछ ऑडियो भी थे। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार चौथी बार शैलेंद्र जैन को अपना प्रत्याशी बनाया था। प्रचार प्रसार के दौरान महेश साहू ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की और विरोध में प्रचार किया था। हालांकि इस चुनाव में शैलेंद्र जैन 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए थे। दरअसल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा 9 मतदाता सम्मेलन और पार्टी पदाधिकारी की बैठक लेने के लिए सागर पहुंचे थे। बैठक के दौरान एक बार फिर इस बात का जिक्र कराया, इसके बाद यह कार्रवाई की। इसके साथ ही दूसरे नेताओं को भी संदेश दिया गया है कि अगर वह पार्टी के हित में काम नहीं करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान महेश साहू द्वारा पार्टी विरोधी कृत्य किए गए थे, जिसकी ऑडियो वायरल होने के पश्चात साक्ष्य सहित शिकायत पार्टी फोरम पर की गई थी, जिसके पुष्टि होने के उपरांत मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सागर प्रवास के दौरान जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया, जिसके बाद जिला महामंत्री अमित कछवाहा द्वारा महेश साहू को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासन का पत्र जारी कर दिया गया है। Tanishq presents the best combo offer ever. Paye gold jewelry ke making charges aur diamond jewelry ki value par 25% tak ki chhoot aur saath hi apni purani gold jewelry ke exchange par 100% value. To aaj hi apne nazdeeki Tanishq store jaiye. Tanishq, a Tata product.